नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोहल्ले में उपहार चेस्ट केयर नाम से डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित किया जाता रहा है। लापरवाही से दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह से की है। डॉक्टर एनपी सिंह ने 12 मई को निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी थी। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से अस्पताल संचालित होने की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर मरीजों को प्रताड़ित करने का भी पुष्टि की गई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है, जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।